Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum students. Today we are going to study about measurement. Measurement is a, the act of measuring something and it is one of the most fundamental concepts in science. It helps in making correct calculations. Without measurement, scientists cannot conduct experiment. We discussed different steps of science in the last video and we discussed about the three basic concepts of science skills. देट इज़ ऑब्जरवेशन प्रडक्शन एंड मेजरमेंट मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ इवन जो कुछ नहीं कर रहा घर में रह रहा है उसके लिए भी मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है मसला एग्जाम्पल के तौर पर ये देखा कि अगर दूध वाला आया है आपने उससे दूध लेना है आप उसको कहते हैं दो दे दो वो दो क्या देगा ठीक है ना तो उसको किस तरह मेजर करते हैं उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं और फिर महीने के आखिर में जब आप हिसाब पूरा करके दूध वाले को उसके पैसे देते हैं वगैरह ठीक है इज़ अ हैंड्स ऑन एक्टिविटी विच इज़ गिविंग यू द कंसेप्ट वाई जस्ट नॉट द अंदाज़ा सॉर्ट ऑफ थिंग नॉट इम्पॉर्टेंट और इनफ मेजरमेंट में एक्सी बहुत ज़रूरी है अगर इस एक्टिविटी में आप देखें देर आर थ्री सिलेंडर्स सिलेंडर ए सिलेंडर बी एंड सिलेंडर सी इनिशियली सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी आर फिल्ड विद वाटर एंड सिलेंडर सी इज़ एम्प्टी. इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ए एंड बी ए और बी दोनों में एक जितना पानी है और सी खाली है फिर क्या किया कि बी का जितना पानी है वो उठा के शिफ्ट कर दिया इन द सी अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको नज़र आएगा कि ए और बी में जब वो पानी था तो बिल्कुल हमें एक बराबर लग रहा था लेकिन जब हमने उसको सी में डाला है तो क्या वो हमें एक जैसा लग रहा uh, है देर आर सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एक्टिविटी पहला सवाल ये है डू बोथ द कंटेनर्स एंड सी हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे तो हमें नजर आ रहा है कि ए और बी में एक जितना पानी है लेकिन क्या ए और सी में भी एक जितना पानी है ठीक है जी सोचें इस बात को और क्या दूसरा सवाल यह इज द लेवल ऑफ वाटर सेम इन बोथ कंटेनर्स ए एंड बी क्या सॉरी ए एंड सी क्या बोथ कंटेनर्स ए एंड सी में वाटर का लेवल ये वाला जो लेवल है क्या एक जितना है ए कंटेनर में कौन से कंटेनर में सी कंटेनर में थर्ड क्वेश्चन इज वाई वन ऑफ द कंटेनर्स हैव मोर हाइट देन द अदर सी में वाटर की हाइट क्यों ज्यादा है जब पानी बराबर है देखें ए और बी में जब रखा था पानी तो हमें नजर आ रहा है कि वो पानी बराबर है बी का पानी हमने उठा के सी में डाल दिया अब वो ऊंचा लग रहा है लेकिन हमें पता है कि वो उतना ही पानी है क्योंकि जितना ए और बी में था वही बी वाला जब उठा के सी में शिफ्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि वो पानी सेम क्वान्टिटी में है लेकिन उसकी हाइट ज़्यादा है हाइट क्यों ज़्यादा है क्योंकि जो कंटेनर सी है वो नैरो है अगर ब्रॉड कंटेनर होगा तो उसमें उसकी हाइट Uh, कम होगी मतलब अगर अगर हमारे पास एक और कंटेनर होता है लेट सपोज डी जो और चौड़ा सा होता तो उसमें अगर हम वही पानी बी का डालते तो वो और नीचे चला जाता ए और बी की हाइट से भी नीचे चला जाता तो हाइट कोई अंदाज़ा नहीं है कोई मेजरमेंट नहीं है बल्कि एक्चुअल क्वांटिटी को प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेजर करना दैट इज़ इम्पोर्टेंट ऑन द नेक्स्ट पेज देर इज़ अ बॉक्स विच इज़ शोइंग साइंस टेडबिट्स और ये साइंस टेडबिट ये बता रहा है कि मेजरमेंट दो तरह की होती है एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजरमेंट वो होती है जो कि डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स में बताती है जैसे हम कहें कि जी आसमान का कलर ब्लू है द कलर ऑफ़ स्काई इज़ ब्लू तो ये जो हमने एक मेजरमेंट बताई लेकिन ये उसका उसको हम हमेशा वर्ड में ही लिख सकते हैं या द स्मेल ऑफ रॉटन फूड या गुड स्मेल मोती की खुशबू जो भी जिन चीज़ों को हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे वो हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट लेकिन जिनको हम नंबर्स के साथ लिख सकते हैं जैसे ये 190 सेंटीमीटर ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट अच्छा अब ये जो डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स है अमून इसके साथ किसी यूनिट की जरूरत नहीं लेकिन जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है उसमें सिर्फ नंबर काफ़ी नहीं है 190 अगर लिख देंगे तो नहीं पता चलेगा कि 190 किलोमीटर है 190 मीटर है 190 सेंटीमीटर है 190 मिलीमीटर mm. मिली इसके साथ ये चीज़ लिखनी जरूरी है ये क्या ये है यूनिट द टॉपिक हेयर इज़ डिस्क्राइबिंग मेजरमेंट जो है वो एक नंबर की बनी हुई होती है और उसके साथ एक यूनिट भी चाहिए होता है यही 190 सेंटीमीटर की एग्जांपल यहाँ डिस्क्राइब की गई नाउ देर इज़ अ टेबल हेयर विच इज डिस्क्राइबिंग द बेसिक फाइव क्वांटिटीज लेंथ मैस टाइम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम अच्छा अब लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं इट कैन बी अ मीटर रूलर इट कैन बी अ मेजरिंग टेप बहुत सारी चीज़ें आपके पास आपका जो स्केल है छोटा बड़ा या वगैरह बहुत तरह के चीज़ों से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं उसकी जो कॉमन यूनिट्स हैं वो छोटी जो आपका छोटे स्केल पर छोटे छोटे नंबर वन से टेंथ तक के लिखे होते हैं वो होते हैं मिली मीटर दैन देर इज़ द सेंटीमीटर सेंटीमीटर अगर आप देखें कि दस मिली मीटर अमूमन मिल के mm मिलके, सेंटीमीटर बनते हैं आपने ये काम मैथ्स में पढ़ा हुआ है मुख्तलिफ क्लासों में दैन देर इज़ द मीटर मीटर के आगे अभी ऐसा SI यूनिट ये देखिए कई चीज़ों के आगे यहाँ लिखा हुआ है ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट अभी हम डिस्कस करेंगे ये इंटरनेशनल सिस्टम का है यूनिट का जो कि पूरी दुनिया में एप्लीकेबल मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है अगर स्टैंडर्ड इंटरनेशनली किसी भी लेंथ की बात करेंगे तो वो मीटर में डिस्क्राइब करेंगे एंड देन देर इज़ द लार्जर यूनिट किलोमीटर अब अगर हमने यहाँ से कराची का फासला बताना है तो हम उसे मीटर या सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर बताएँगे तो बहुत ज़्यादा जीरो लग जाएंगे तो किलोमीटर में क्या होता है किलो मीन्स थाउजेंड के वो थाउजेंड मीटर के बराबर देन कम्स मैथ मैथ जो है इसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है वी नीड बैलेंस और इसका जो कॉमन यूनिट्स यूज़ होते हैं एक तो छोटा यूनिट है ग्राम गोल्ड का अगर अभी आपने रेट देखा हो तो टी वी पर बताते हैं दस ग्राम सोने का वजन ये और जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है किलोग्राम क्योंकि ग्राम बहुत छोटा है और बहुत सारी चीज़ें जो आम हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं उनको ग्राम में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए जो इंटरनेशनल यूनिट है वो है किलोग्राम फिर टाइम के लिए हम वॉच या क्लॉक यूज़ कर सकते हैं इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है सेकेंड आम हालात में हम मिनट्स को भी बहुत इस्तेमाल करते हैं और आर्स को भी ठीक है उस लिहाज से देखें तो डेज वीक्स मंथ्स ईयर्स ये भी सारे टाइम के ही कोई ना कोई यूनिट है देन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं हम थर्मोमीटर से दो तरह के इसकी यूनिट है डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट जो तीसरा सिस्टम इंटरनेशनल है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ क्योंकि अभी आप इन्हीं दो को ज़रा देख लें वो होता है कैलविन वैसे ठीक है जी तो जो हम कहते हैं कि वाटर अभी आएगा जब थर्म स्केल अम, थर्मामीटर का तो उसमें हम इसके फ़र्दर डिटेल डिस्कस करेंगे अच्छा लिक्विड्स के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए उमूा मेजरिंग सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं जो छोटे हों तो मिली लीटर्स में होते हैं और बड़े हों तो लीटर्स में होते हैं और लीटर जो है वो ऐसा यूनिट है दिस बॉक्स हेयर डू यू नो इज़ डिस्क्राइबिंग मेट्रिक यूनिट्स जो हैं उनको ऐसा यूनिट्स कहा जाता है एक ही चीज़ के दो नाम है एस आई यूनिट या मेट्रिक यूनिट एस आई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल क्योंकि ये वो सिस्टम है जो पूरी दुनिया के ऊपर एप्लीकेबल है और सारी दुनिया में लेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट का वो मीटर है मैथ के लिए किलोग्राम है टाइम के लिए सेकेंड है एंड सो ऑन नाउ सम कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर स्केल्स आर डिस्क्राइब एज वेल ये जैसे अगर हमने स्केल हमने पेंसिल की मेजरमेंट की लेंथ को मेजर करना है तो हम स्केल उसके साथ रख दें तो फिर हमें उसकी लेंथ मेजर हो जाएगी ठीक है जी अब यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है कि स्केल का मतलब ये है कि हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर है वन मीटर में थाउजेंड मिलीमीटर है और वन किलोमीटर में थाउज़ेंड मिलीमीटर है हैं थाउजेंड मीटर हैं सॉरी सो वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर सेंटी का मतलब होता है हंड्रेड तो एक मीटर के अंदर सौ सेंटीमीटर है मिलीमीटर इससे भी छोटा होता है इसलिए एक मीटर के अंदर एक हज़ार मिली मिली का मतलब होता है हजारवां हिस्सा सेंटी का मतलब होता है सवा हिस्सा वन हंड्रेड मिली का मतलब होता है वन थाउजेंड और किलो का मतलब होता है हज़ार मैं हज़ार हूँ ठीक है किलो अगर बोल सकता तो कहता आई एम थाउजेंड सो इट इज़ इक्वल टू वन थाउजेंड मीटर अब साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन भी यहाँ दिए मैं इस टॉपिक में हाउ डज अ कारपेंटर मेजर द लेंथ ऑफ द वुड आपने देखा होगा कारपेंटर के पास एक फोल्ड सी की भी एक बड़ी मजे की इंची टेप होती है जिसको इंजूम करके खींच के निकालते हैं और फिर बटन दबाते फिर वापस चला जाता है सो मेरे बच्चों को तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है और कारपेंटर का काम हो ना देखना बहुत इन्जॉय करते हैं हम देन दर इज़ द मेजरमेंट ऑफ टाइम विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्लॉक ये लेट सपोज दिस इज़ अ वॉल क्लॉक तो अमूमा उसमें जो वन आर है वो सिक्सटी मिनट्स के इक्वल होता है और वन मिनट जो है वो सिक्सटी सेकेंड के इक्वल होता है ना इसके अलावा बहुत सारी क्लॉक्स हैं जो कि आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आएंगी कंप्यूटर में मोबाइल में मोबाइल में भी अगर आप देखें जो क्लॉक वाला उसका सेक्शन है आपको वहाँ पे स्टॉप वॉच नज़र आएगी एक टाइमर क्लॉक नज़र आएगी डिजिटल क्लॉक नज़र आएगी सो देर आर मेनी वेज़ इन विच के मेजर किया जा सकता है टाइम को ना फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर दिस इज अ थर्मोमीटर ये लेबॉट्री थर्मोमीटर लेबॉट्री थर्मोमीटर के अंदर जो ये ये जो पोर्शन बना हुआ है ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके कर यहाँ तक ठीक है ये ग्लास ट्यूब होती है ठीक है ये जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर एक रेड कलर का फ्लूड मौजूद होता है आ, अल्कोहल होती है मोस्टली कलर्ड और इसका रेंज देखें ये सबसे कम जो जा रहा है ये माइनस ट्वेंट ट्वेंटी डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पे माइनस थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है अब इस पे ये जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो क्या है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल पे वो है थर्टी टू डिग्री फ़ारेनहाइट और अगर आगे चलते जाएँ हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल होता है और टू हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री फेरन हाइट पर वाटर बॉयल मतलब ये टेम्परेचर सेम है लेकिन डिफरेंट स्केल में इसकी रीडिंग डिफरेंट है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टू हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री फेरन हाइट इसी तरह जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो अगर हम यहाँ देखें uh, हमारे यहाँ जो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज होता है वो मोस्टली डिग्री फेरन हाइट में है तो इसलिए हम कहते हैं जी एक बुखार हो गया बहुत तेज़ बुखार था एक था वग़ैरह तो उसमें नॉर्मल क्या है वो जो एक हम कह रहे थे वो नाइन्टी वो ये नहीं होता कि डिग्री सेंटीग्रेड में हम एक हम पानी उबलने से ज़्यादा नहीं गर्म हुए होते हम अगर उसको देखें तो डिग्री सेंटीग्रेड में हो सकता है हमारा फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो लेकिन उसी में वो बहुत तेज़ बुखार होता है सो इन डिग्री फेरन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फेरन इससे जितना हाई होता जाएगा वो हाई ग्रेड फीवर है और अगर इसी को हम चेक करें अगर आप वो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जिसमें सिल्वर कलर का मरकरी होता है घरों में अमूमन होता है और उस पर जो है नॉर्मल टेम्परेचर का एरोसा भी बना होता है उसमें दोनों स्केल दिए मैं डिग्री सेंटीग्रेड में थर्टी सेवन होता है नॉर्मल टेम्परेचर और डिग्री फेरन में नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स नाउ इज अ क्वेश्चन आर देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर यूज बाई साइंटिस्ट वैसे तो अब सैंटिस्ट नहीं अब तो आपने वो थर्मल गन जो वो एक गन की तरह का कुछ कुछ मिलता जुलता थर्मोोमीटर आजकल कोरोना की वजह से मुख्तु जगहों पे यूज़ हो रहा है वो एक डिजिटल थर्मोमीटर जिसको माथे के करीब रखते हैं तो वो टेम्परेचर ले लेता है ठीक है फिर इसके अलावा एक स्ट्रिप थर्मोमीटर होता है शायद आपने देखा हो वो माथे पे चिपका लेते हैं तो वो अगर बुखार हो तो उसका कलर रेड की साइड पर देता है नॉर्मल हो तो ग्रीन की तरफ देता है वगैरह सो so, uh, uh, हमने अभी क्लिनिकल थर्मामीटर को डिस्कस कर ही लिया जिसमें मरकरी डला हुआ होता है ये वाला जो ये लेबॉट्री थर्मामीटर है जिसमें के रेड कलर की अल्कोहल डली हुई है ठीक है जी सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स विच आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस देन हेयर यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ स्केल्स ये तराजू है या आपने कभी सब्जी वाले को या फ्रूट वाले के पास देखा होगा यहाँ पे अमूमन वो वजन रखते हैं उनके गोल गोल से लोहे के बाट होते हैं आधे किलो का किलो का और यहाँ पे फ्रूट या सब्जी डालते हैं जब दोनों का लेवल बराबर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि अब ये एक किलो चीज़ है अगर आपने एक किलो आम लिए हैं वगैरह ठीक है आ, ये पहले से यूज़ हो रहा था अब जो ज़्यादातर यूज़ होता है मैथ को मेजर करने के लिए वो ये इस तरह का स्केल यूज़ होता है दिस अ डिजिटल स्केल ये कोर्स वालों की दुकान के ऊपर अब तो बहुत सारे फ्रूट्स वालों ने भी यही वाला रखा होता है ये बड़े भी होते हैं ये छोटे भी होते हैं छोटे वाले जो हैं ये किचन स्केल के तौर पे बहुत से लोगों जिनको बेकिंग का शौक़ होता है वो आम, या जो डाइटिंग के लिए कंसर्न होते हैं आपकी डाइटिशियन अगर किसी ने ज्वाइन किया हुआ है तो उन्हें पता होगा जी इतने ग्राम की रोटी का पेड़ा होना चाहिए वगैरह वगैरह सो आ, या जो कैलोरी कॉन्शियस हैं उनको पता हो, होना चाहिए बहरहाल मैं जब बेकिंग करती हूँ तो मुझे पहले देखना पड़ता है मेरे पास नहीं है ये कि अगर लिखा हुआ है 200 ग्राम मैदा तो वो मेरे जो मेजरिंग कप हैं मेजरिंग कप मैंने रखे हुए उसके उसमें वो 200 ग्राम मैदा कितना है मैदा कितना है इस ये मिल जाती है गूगल पे आप सर्च करें ना तो अगर आप में से जिसको बेकिंग का शौक है जिसको रेसिपीज़ में प्रॉब्लम होती है और उनके पास वो छोटे छोटे सिंपल से सेट्स मिलते हैं जिनमें साइज़ के चम्मच होते हैं हाफ टी स्पून फुल टी स्पून और मख्तल साइज के कप होते हैं हाफ कप सिंपल से प्लास्टिक के या सिलिकॉन नहीं सिलिकॉन के नहीं वो मेरे ख्याल में प्लास्टिक के ही हैं कुछ कलर्ड होते हैं कुछ एक कलर के होते हैं वो वो अगर ले लें तो बेकिंग के लिए वो मेजरमेंट्स अच्छी हो जाती हैं बेकिंग के लिए बड़ा जरूरी होता है कि आपने जो चीज़ें जिस रेशो में है जिस क्वांटिटी में है, वो ही आप यूज़ करें तो वो आप कप्स को भी उसके लिहाज से रिलेट कर लेते हैं लेकिन सही मैस अगर फाइंड आउट करना है तो इसी तरह का स्केल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा अगर वॉलीम को मेजर करना है तो ये डिफरेंट तरह के मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम है अगर आपने घरों में ऐसी कैसी चीज़ होती है जिसके ऊपर यूँ नंबर लिखे अगर आपने गौर किया हो कि जो ब्लेंडर वाला जग होता है जिसमें मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर लिखा होता है डिफरेंट numbers उसको कभी गौर से पढ़ें कि वो क्या क्या उसमें एक ऊपर जाके एक लीटर का होता है कोई बड़े जो जगह होते हैं वो दो लीटर के होते हैं और उसमें नीचे हाफ़ लीटर हाफ लीटर जो है ना एक लीटर में अमूमा चार ग्लास पानी आता है तो अगर आपने ये ना अपना हो तो अच्छा आप ग्लास भी हमारे घरों में मुख्त साइज़ के होते हैं जो एक स्टैंडर्ड गस है टू फिफ्टी एम एल का जो है वो वैसे चार ग्लास हों यानी अगर आपने मैंने मैं भी आपको कह रही थी कि आप बेकिंग के लिए अगर आपको शौक़ है तो आप वो वाले कप ले लें तो इसका मतलब है कि उसमें टू फिफ्टी उसमें जो एक वन कप होता है ना वो एक्चुअली टू फिफ्टी एम एल होता है अब ये डिफरेंट तरह के मेजरिंग सिलेंडर हैं जो यहाँ शो किए है गए हैं ये स्मॉल है ये मीडियम साइज़ का है ये लार्ज साइज़ का है सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग सिलेंडर्स कैन बी यूज टू मेजर डिफरेंट थिंग और यहाँ पर मेरे ख्याल में देर वॉज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग इट वट इंस्ट्रूमेंट डज़ अ मिल्क मैन यूज़ टू मेजर मिल्क आपने देखा होगा कि दूध वाला जो है उसके पास उसके बर्तन के साथ एक मग सा होता है जिससे वो मेज़र कर रहा होता है और उसमें आधा किलो का भी होता है किलो का भी होता है वैसे ये हम इस पर ज़रा सोचिएगा और कमेंट में अगर मेरे डिस्कस करें कि हमने कहा कि मैस की यूनिट है के और दूध एक लिक्विड है जिसको हम लीटर में जब पैकेट लेते हैं दूध का तो वो लीटर में होता है लेकिन जब हम दूध वाले से लेते हैं तो वो किलो का होता है ये क्या बात है ठीक है अच्छा यहाँ पे स्केल दिया हुआ है कि वन के जी से टू थाउजेंड ग्राम यही वो किलो अगर कह सकता तो कहता कि मैं मैं थाउजेंड हूँ और मिली मिली अगर कह सकता तो वो कहता कि मैं वन ओवर थाउजेंड हूँ मैं हज़ारवा हिस्सा हूँ सो वन लीटर में वन थाउजेंड एम होते हैं और वन के में वन ग्राम होते हैं